हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ चुका हूँ एक नए WWE 2K24 गेम प्ले वीडियो के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैंने सोचा कि आज मैं कोडी रोड्स लेकर के रोमन रेन से डबल चैम्पियनशिप मैच करूँगा, जो कि यूनिफाइड वाला टाइटल तो उसके पास है ही, बट मैं दो चैम्पियनशिप उसको दूंगा, जो कि ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। और इसको करते हैं मेरे ख्याल से एक्सट्रीम रूल्स बेटर रहेगा। एक्सट्रीम रूल्स करते हैं, एलिमिनेशन चेम्बर नहीं तो फिर एक्सट्रीम रूल्स ही दे देता हूँ एरिना। और कंफर्म करते हैं टाइटल मैच ऑन। मैं लेता हूँ सबसे पहले कोडी रोड्स ही है। चलो कोडी रोड्स एलिमिनेशन 39। भाई इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। क्या ही है भाई, बस अलग अलग फ़ोटो लगी है और बाल का ह्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मेरे ख्याल से फ़ोटो की वजह से है, मतलब लाइटिंग की वजह से चेंजेस हैं। रसल में या 39 ही ले लेता हूँ। नहीं एक सेकेंड यार, एरिना ना, एरिना रसल में या 39 अनलॉक्ड है ना। चलो रसल में या 39 करते हैं और फिर रसल में या 39 वाला अटायर भी ले लेता हूँ। लेट्स गो। नहीं यार, कोडी रोड्स पेबैक चेंज कर सकते हैं क्या? रेज फिल द रिमाइंडर ऑफ ए फिनिशर मीटर गेन योर नेक्स्ट फिनिशर स्टॉक, फ्रीज आयरन जॉ, फायरवॉल, कमबैक नन, लो ब्लो। भाई मेरे को एक वो चाहिए, मूव थेफ्ट वाला चाहिए। शो ऑफ द कंपटीशन बाय स्टीलिंग द फिनिशर रिक्वायर्स अपोनेंट टू हैव एटलीस्ट वन फिनिशर स्टॉक। पेबैक 2 में डालता हूँ ना, रेजिलियंसी नहीं। रेजिलियंसी से यार, रेजिलियंसी भी चाहिए होगी वैसे। पहला वाला क्या था? रेज। रेज की ज़रूरत नहीं है, माच होता है, मूव थीव कर देता हूँ। कंफर्म। और सामने रखते हैं रोमन रेंस, वो भी अभी वाला, बिग डॉग नहीं, बिग डॉग तो 14 था भाई। रेसलमेनिया 39, दोनों के रेसलमेनिया 39 अटायर हैं भाई। एड मैनेजर कर देता हूँ इधर, दो मैनेजर। सबसे पहला तो यार पॉल, चलो एक ही मैनेजर रखते हैं पॉल हेमन को, बस पॉल हेमन का भी रेसलमेनिया 39 अटायर है। कंप्यूटर कन्फर्म। चलो चैम्पियनशिप, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप एक तो है ही, और दूसरी WWE चैम्पियनशिप। नहीं क्या हुआ भाई, दो लेनी है। अच्छा इसको अगर लिया तो फिर एक ही ले सकते हैं मेरे ख्याल से, बट WWE चैम्पियनशिप कहाँ है? मेन वाली, अभी वाली, ये रही यूनिवर्सल चैम्पियनशिप और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रॉ और स्मैकडाउन वाली, इन्हीं दोनों को लूँ क्या? बट भाई यार ये ब्लैक वाली उतनी मस्त लगती नहीं है यार मेरे को। रेड, हाँ ये है, एक WWE चैम्पियनशिप लेते हैं। क्यों स्टार्ट? अच्छा एक उसके पास पहले से ही है, इसलिए सिर्फ एक लेने का ऑप्शन आ रहा है शायद तक। ये वाली तो है ही उसके पास, अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियनशिप। चलो इसी को ले लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। माँ चोत दूंगा भाई रोमन रेंज की, मे बी वो भी गांड मार सकता है भाई कोडी रोड्स की, पता नहीं, देखते हैं। थोड़ा सा एंट्रेंस देख लेते हैं बस, बहुत हल्का सा। एक बार मॉडल देखने में मजा आ जाता है भाई, इतने हाई क्वालिटी के मॉडल्स रहते हैं इनके, बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस तो भाई एकदम बिल्कुल रेसलर्स की तरह ही लगता है। हाँ फिजिक्स डली है भाई इसके पीछे, जो फैदर है उसमें भी फिजिक्स डली है थोड़ी थोड़ी सी, देख रहे हो हल्का हल्का फ्लोट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। एट ये है रेसलमेनिया 39 वाला, शायद ये फैदर वाला अटायर है पीछे जो लगा हुआ है ना, बाकी सब सेम है। क्या मस्त है भाई मॉडल इसका, और ये अटायर भी क्या सही दिख रहा है, अलग क्वालिटी का भाई। वो एड्रेनलिन इन सोल। आ गया रोमन रेंस भाई, ब्रेक आउट नहीं करूँगा, गलती से कभी कभी मेरे से स्किप करने के चक्कर में ब्रेक आउट हो जाता है। जल्दी से रोमन रेंस का एंट्रेंस देख लेते हैं। बिग डॉग, मस्त दिख रहा है कोडी रोड्स का मॉडल यार। क्या होगा भाई, कितनी देर तक कैमरा घुमाते हैं चूतियों की तरह। ये है रेसलमेनिया 39 वाला अटायर, ये माला के साथ।
And we may have no other option. क्या खतरनाक टेक्सचर क्वालिटी है भाई, टेक्सचर क्वालिटी भी, मॉडल क्वालिटी भी, सब कुछ भाई ऐसे गोरा ग्राफिक्स के साथ स्मैकडाउन पेन आ जाएगा ना, हियर कम्स द पेन, तो मजा ही आ जाएगा। दूसरी चैंपियनशिप कहाँ गई यार, डबल चैंपियनशिप एंट्रेंसेस नहीं डाले हैं क्या? अच्छा शायद तक जब इसके पास दो चैंपियनशिप होनी चाहिए तब। बड़ा खतरनाक दिख रहा है, चलो स्किप करते हैं। स्किप स्किप, कितने सीन आएंगे भाई, अरे मादरचोद। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मैं ना ऑप्शंस में जाके कैमरा एंगल चेंज कर देता हूँ, ये वाला कैमरा शेक्स, कैमरा कट, रैंप कैमरा को ऑफ कर देता हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादा अच्छे वाले वो आएंगे फिर, कैमरा कट्स तो ऑन है, ज़्यादा अच्छे कैमरा एंगल आएंगे फिर। भाई फास्ट है यार कोडी रोड्स, तो मस्त फास्ट लग रहा है। ग्रैपल बुलडॉग, कोडी कटर नहीं, क्रॉस बॉडी दे रहा है भाई, डाइविंग क्रॉस बॉडी, स्प्रिंग बोर्ड क्रॉस बॉडी, क्रॉस बॉडी, भाई बिल्कुल बिहारियों वाली एक्सेंट निकली पता नहीं क्यों मेरी। ओ डिजास्टर किक, एक और बुलडॉग भाई, शुरू से भाई वो वेपन निकाल रहा है उधर से, पॉल हेमन, ओ नेक ब्रेकर भाई, इंस्टेंट रिकवरी कर लूंगा मैं, रिवर्स नहीं अब नहीं करूंगा, स्टैमिना ज्यादा छूट जाता है। रिवर्सल का कोई ऑप्शन, वाह क्या पिनफॉल करवा के मेरा मीटर छोटा करने की कोशिश कर रहा है क्या, मेरे को पता नहीं भाई मीटर छोटा होता है कि नहीं। आरडी प्लस एक्स सिग्नेचर, पेडिग्रीस की सिग्नेचर कब से हो गई यार कोडी रोड्स की। पुशअप्स तीन, तीन को चार, रिवर्स करना पड़ेगा, ओ हो गया रिवर्स भाई, मेरे को लगा नहीं था। एक चार्ज फिनिशर शुरू में ही दे देता हूँ भाई, तब समझ में आएगा, शुरुआत से ही भाई पूरा अपनी तरफ फेवर मैच रख रहे हैं। एक टॉप रोप डाइव, डाइव या एल्बो ड्रॉप या जो भी देगा, देखते हैं क्या देता है। एल्बो ड्रॉप, एक क्रॉस बॉडी, क्या हुआ, अरे यार वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है पॉल हेमन साला, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पड़ा हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, उड़ गया, पंप हैंडल सुप्लेक्स, ओ लेट हो गया, साइड वॉक स्लैम थोड़ी है भाई, ये कमेंटेटर कुछ भी बोल रहे हैं, टल्ट वर्ल करके इसका नाम है, टल्ट वर्ल बॉडी स्लैम ऐसा कुछ। आजा, ओ रिवर्स नहीं, बहुत सारे वाले, ये ओ भाई क्या मस्त किक मारी यार रोमन रेंस से, दांत तो देनी पड़ेगी थोड़ा सा उसकी। पिनफॉल, मेरी छाती इतने जल्दी पीली कैसे हो गई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, इसमें ना थोड़ा ज्यादा जल्दी लगता है, मतलब डैमेज थोड़ा ज्यादा जल्दी होता है उसकी छाती, उसका छाती और सर देखो दोनों लाल हो गए। ओर देख, एक डाइविंग एल्बो, वो पैर दी पुद्दी तुम्हारी, मून सॉल्ट, अरे यार ये फिर से डिस्ट्रैक्ट करने आ गया ना चोदू, नहीं उसकी तरफ देख, मार मार मार, अरे यार भाई उसने कमोरा लॉक फसा, नहीं अरे यार गलती से मैंने रेजिलियंसी यूज कर ली भाई, नहीं यार इसमें मैं कर सकता था लेकिन चुतियापा कर दिया मैंने। डिजास्टर किक, क्या घटिया स्प्रिंग बोर्ड थी भाई, अरे क्या कॉफिन ड्रॉप दे रहा था, क्या कर रहा था मेरे कुछ समझ नहीं आया। वो वेपन निकाल रहा है, उठ जा जल्दी कोडी, टेबल निकाल लिया भाई, वो लगी नहीं, लैंड हो गई मेरे ऊपर बट लगी नहीं।
Kick to the gut. Uh-oh. Oh, reverse. इसमें रिवर्सल की टाइमिंग अच्छी खासी दी थी, मतलब एक बुलडॉग क्लोज लाइन उठाना यार, टेबल नहीं उठा रहा। चलो उठो, इसमें टॉन्ट भी नहीं कर रहा यार। अरे यार फेंकना नहीं था भाई, उठा, मैं सेट करने की कोशिश कर रहा था। ओ यार किक लग गई उसकी मेरे को, इंस्टेंट रिकवरी नहीं भाई, एक फिनिशर पड़ गई। ये ले लग ही नहीं रहा है, देखो थोड़ा सा ना उसको पेल देता हूँ हल्का सा। अरे यार वो मादर चोद फंसा ले जाता है। अरे यार ये क्या बात करने लगा भाई, ये ले। एक इसको भी फिनिशर दे देता हूँ ना, पढ़ गई फिनिशर। नहीं नहीं नहीं, जस्ट अ स्टॉर्म ऑफ एल्बोस, रिवर्स हो गई। अभी एक बुलडॉग, ओ खून निकल गया, वो फिर से भाई उठ गया, रेजिलियंसी है उसके पास। रुको अब मैं ऊपर जाते हूँ, एक डाइविंग मूव देनी है इसको, और अरे यार ड्रॉप किक पड़ सकती थी। रिवर्स कर दिया यार, ट्रैश कैन लेके आएगा क्या, लग तो रहा है। फंस गया वो भाई, देखा कितने स्विफ्टली वो अंदर गया पॉल हेमन। अरे यार गया नहीं, एक क्लोज लाइन, भाई यार वो कोडी कटर कैसे देगा मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा, रुको देखना पड़ेगा। मूव्स कोडी कटर, आरटी प्लस वाई वेन अवेलेबल, स्टैंड स्प्रिंग बोर्ड वर्सेस स्टैंड पिन कॉम्बो, स्प्रिंग बोर्ड वर्सेस रन पिन कॉम्बो। पेडिग्री तो देता ही है, स्टैंडिंग फ्रंट पिन कॉम्बो, स्टैंडिंग फ्रंट क्या यार, पेडिग्री नहीं, रनिंग कोडी कटर भी है, कॉर्नर स्प्रिंग बोर्ड, रन वर्सेस स्टैंड, स्टैंड स्प्रिंग बोर्ड, रॉड्स रोड्स तो है ही। चलो देखता हूँ इस बार क्या है, थोड़ा सिग्नेचर आ जाए मेरे पास ना। This isn't the smartest thing to do, antagonizing your opponent instead of attacking it. And his torso continues to be targeted. That could be disrupting the flow of air at this point. He's got to know he's in harm's way here. RD plus Y spear दे सकता हूँ मैं उसको। अरे यार ये पॉल हेमन भोसड़ी का। एक स्पीयर इसको देता हूँ भाई, तब मजा आएगा ना। कितनी देर तक ये बकचोदी करता रहेगा भाई। अब देता हूँ एक स्पीयर। RD plus Y। ओह, अरे और रिवर्स कर दिया भोसड़ी वाले ने। नहीं भाई, प्लस मेरी फिनिशर भी गई क्या? नहीं गई लगता है, बट यार खून तो निकल ही आया। मूव थीफ चला गया ना, शायद एक ही बार बस वो यूज कर सकते हैं यार। चलो एक एक फिनिशर इसको देता हूँ पहले, फिर सिग्नेचर देता है। बड़ी गंदी, बड़ा गंदा खून निकल रहा है यार। क्रॉसरोड्स पड़ गई, एक डाइविंग एल्बो ड्रॉप, मूनसॉल्ट कनेक्ट। अरे मादरचोद कहाँ मूनसॉल्ट, अंधा है क्या भोसड़ी वाला।
गांड में इसकी आंखें लगी हैं। Headed to the top rope. अब वो उठ गया, अब वो पेल देगा। And he's able to counter. ले अब मूनसॉल्ट पड़ेगी, बस हट ना जाए। नहीं बड़े मूनसॉल्ट यार। एक बुलडॉग। ये लो भाई, जनता को पागल कर देता हूँ एक सेकंड के लिए। रोमन रेंस की गांड फटी पड़ी है भाई। ओ भाई स्पीयर दे दिया यार, अनएक्सपेक्टेड उसने तो। ले एक बार करके उसका थोड़ा मीटर डाउन कर देता हूँ, क्योंकि वो किकआउट तो करेगा ही भाई। ओ जीत गया। अरे यार एटलीस्ट मेरे को क्रॉस रोड्स तो एक दो मार लेता मैं, बट कोई बात नहीं, कोडी कटर भी मारनी थी भाई। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भाई। सेकंड बेल्ट कहाँ गई यार? सेकंड बेल्ट का ऑप्शन ही नहीं है क्या यार? या फिर मैंने चालू नहीं किया था डबल टाइटल मैच में भी। कोई बात नहीं, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।